गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि बॉलीवुड वाले हमेशा साउथ फिल्मों की चोरी करते हैं और साउथ वाले नई नई फिल्में बनाते हैं? तो आप गलत हैं, क्योंकि साउथ वालों ने भी कई बॉलीवुड फिल्मों की कॉपी की है और उनसे करोड़ों रुपया छापा है। जी हाँ गाइस, इसमें सबसे पहली फिल्म है संजय दत्त की मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसे साउथ इंडस्ट्री ने एक नहीं बल्कि दो दो भाषाओं में कॉपी किया है। तमिल में जहां इसे वसूल राजा एमबीबीएस के नाम से कॉपी किया गया, तो वहीं तेलुगु में इसे शंकर दादा एमबीबीएस के नाम से कॉपी किया गया। नंबर दो पर है सलमान खान की दबंग, जिसे तमिल भाषा में उस्ते नाम और तेलुगु भाषा में गब्बर सिंह के नाम से कॉपी किया गया। नंबर तीन पर है आमिर खान की थ्री इडियट्स, जिसे तमिल भाषा में नंदन नाम से कॉपी किया गया। और ऐसा सिर्फ आज के समय से ही नहीं हो रहा, बल्कि 80-90 के दशक में सुपरस्टार रजनीकांत ने अमिताभ की कई फिल्मों को कॉपी किया था। गाइस, मतलब साफ है कि जो हालात आज बॉलीवुड के हैं, वैसे कभी हालात साउथ के भी थे। सब समय समय की बात है, वक्त अच्छा और बुरा आते रहता है, इसलिए बॉलीवुड के अच्छे वक्त का इंतजार करिए और कभी कभी अप्रिशिएट भी कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी लिखिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।